अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। हम जा रहे हैं दावत में, तो चलिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो है ईद का है डे 4 और हम तैयारी कर रहे हैं दावत की। और आज है मतलब रेस्टोरेंट में दावत है नन की तरफ से, तो यहाँ पर जो है मैं तैयारी कर रही हूँ। व्लॉग जो है वो लेट स्टार्ट किया है क्योंकि आज जो है वो मेड आई नहीं है। सारा काम जो है अभी मैंने फिनिश किया है अपने घर का, तो बस इसी काम में लगी हुई थी, तो व्लॉग बनाना तो याद ही नहीं रहा। अब थोड़ा फ्री हुई हूँ तो मैं सोचा आप सबसे बात कर ली जाए। और अभी मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं आयरन के लिए कपड़े सबके न्यू, और बच्चे जो है वो अपना टीवी देख रहे हैं, अभी पढ़ाई करके उठे हैं, तो बस अभी यही चल रहा है सीन। और अभी हम जाएंगे और तैयारी करेंगे जाने की, और बच्चे कैसे लग रहे हैं, क्या क्या पहनेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करते हैं अब थोड़ी देर। कपड़े मैंने सारे आयरन कर लिए थे, बच्चे जो है वो अपना हल्का फुल्का जो है वो अभी नाश्ता कर रहे हैं, चाय बिस्किट खा रहे हैं, ताकि जो है रात तक जो है वो थोड़ा सा मैनेज रहे। और इनके बाबा भी अभी आए हैं, तो हम जो है वो चाय एंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे तैयार होने के लिए, जब तक मैं आपको दिखा देती हूँ गुड़िया को, जो कि यहाँ बैठी हुई हमें जो है आराम से देख रही है। यहाँ पर बच्चे हो गए हैं रेडी, और हमेशा की तरह जो है आज हम ड्राइव करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, क्योंकि हमने जाना है हाईवे जाना है। और आज जो है ईद की वजह से इतना कोई ज़्यादा रश है कि आज भी ड्राइव काफ़ी मुश्किल से हुई है। खैर, एक घंटा वेट करने के बाद हमें फ़ाइनली ड्राइव मिल गई। और जब हमें ड्राइव मिल गई है तो रास्ते में जो इतना कोई ज़्यादा ट्रैफिक, ऐसा लग रहा था सारी जो है ना एग्ज़ामिनेशन हमने यहीं देनी है। अल्लाह अल्लाह करके खैर हम बहुत अच्छे से यहाँ पहुँचे ताज दरबार होटल। और बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बना हुआ है ये, क्योंकि ये मेन हाईवे पे है, तो काफ़ी स्पेस इसका काफ़ी बड़ा है जितना मैं आपको दिखा पाऊँ। ये देखें आप स्पेस देखें, ये मैं बिल्कुल फ्रंट दिखा रही हूँ और राइट और लेफ़्ट तो बिल्कुल भी नहीं दिखा पा रही, क्योंकि इस कदर ये बड़ा है कि झूले हैं, राइड्स हैं, सारी चीज़ें यानी इंजॉयमेंट की यहाँ पर मौजूद है। मेरी इन लॉज की फ़ैमिली जो है काफ़ी देर से आ गई है और हमारा वेट कर रही है। ये जैसे कि मेरे नंदोई जो है वो हमें रिसीव करने के लिए बाहर आए थे, क्योंकि हमारी सिटिंग जो है वो ऊपर थी एसी हॉल में, तो हम पहुंचते हैं अपनी फैमिली के पास और हम वेट कर रहे थे खाने का। ऑर्डर जो है अभी थोड़ी देर पहले किया था, जहाँ पर बैठ के हम बातें वगैरह कर रहे थे। ये रहे मेरे बच्चे, जो कि आप लोग बताएँगे अब कैसे लग रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टफुल था, बहुत इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि जब हम फैमिली के साथ बैठ के बातें वगैरह कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं ना, तो पता ही नहीं लगता कि कितना टाइम गुजर गया और कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो यहाँ पर फाइनली खाना जो है वो आ गया था। खाने में आई थी कढ़ाई और मलाई टिक्के थे और बिहारी टिक्के थे और कबाब थे और अफ़गानी बोटी थी, और इसके अलावा जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। तो यहाँ पर हम बैठ के आराम से जो है वो खाना एंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल मतलब जो कहना चाहिए ना फैमिली टाइम जो स्पेंड कर रहे होते हैं, तो बस हम वही कर रहे थे। खाने के बाद जो है वो टेबल का कुछ जीवे हाल हो जाता है एंड में, ये सबको बताया आप। तो खैर, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, दावत बहुत अच्छी रही, बहुत इंजॉय किया फैमिली के साथ और बहुत ज़्यादा हमने हंसी मज़ाक किया। फाइनली आपको पता है कि इमरान टी लवर हैं, तो एंड में उन्होंने चाय भी मंगा के पी। और उसके बाद जो है हम जा रहे हैं घर की तरफ। होपफुली आपने मेरा ये व्लॉग इंजॉय किया होगा, और मेरे व्लॉग का यकीनन कोई ना कोई तो वेट करता ही होगा, तो जो वेट करता है वो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अभी हम घर नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे हैं मम्मी के घर पे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।